हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, तो सी अर्चिन। ठीक है, सी अर्चिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये पार्ट वन है लेक्चर का। तो सी अर्चिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सी अर्चिन क्या होता है कि स्पाइनी वाटर एनिमल है। मतलब क्या कि इसमें जो तो वो स्पाइंस होते हैं, और ये कहाँ रहते हैं, तो वाटर में रहते हैं। फाइलम कौन सा है, तो इकाइनोडर्मेटा होता है। ये ओशियन में रहते हैं। सी अर्चिन आर द मेंबर ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा विच ऑल्सो इंक्लूड द सी स्टार, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार एंड क्राइनॉइड्स। मतलब क्या है कि सी अर्चिन जो होते हैं वो कौन से मेंबर से बिलोंग करते हैं, तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा विच ऑल्सो, जिसमें कि सी स्टार, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार और क्राइनॉइड्स भी आते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हम लोग सी अर्चिन के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, तो क्यों पढ़ते हैं उसका रीज़न चलिए देखते हैं। द एग इज स्मॉल इनफ टू बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। पहला पॉइंट ये है कि उसका जो एग होता है वो इतना छोटा रहता है, लेकिन तब भी वो माइक्रोस्कोप के नीचे दिख जाता है। और इसका जो गैमेट प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑकर नेचुरली आउटसाइड द बॉडी इन द सी वाटर। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो बॉडी के बाहर होता है, सी वाटर में होता है। द साइटोप्लाज्म इज रिलेटिवली क्लियर, सो क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन आर इजली ऑब्जर्व। जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्लियर होता है, इसीलिए इसमें क्लीवेज और गैस्ट्रुलेशन इजली ऑब्जर्व हम लोग कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग सी अर्चिन को पढ़ते हैं। ठीक है, ये होता है बेनिफिट। और ये है हम लोग का सी अर्चिन का स्पर्म, जिसमें एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, फिर नेक है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर टेल है। फिर वैसे ही एग में क्या होता है, तो सबसे आउटर मोस्ट होता है जेली कोट, जो कि नेग शुरुगर से बना हुआ रहता है। उसके बाद होता है वाइटिलाइन मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रहते हैं। ठीक है, ये एग और स्पर्म का हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए। अब क्या बोल रहा है कि जो वाइटिलाइन मेम्ब्रेन रहता है एग का, उस पर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग EBR1 कहते हैं, जो कि लाइगेंड स्पेसिफिक है, बाइंड इन अ स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, रिसेप्ट प्रोटीन होता है, कीमो अट्रैक्टेंट होता है, रिलीज बाय द एग इन वाटर। रिसेप्ट एक प्रोटीन होता है जो कि एग के द्वारा रिलीज किया जाता है वाटर में, जो कि स्पर्म को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो क्या बोला कि एग जो होता है उसमें जो वाइटिलाइन मेम्ब्रेन होता है उस पर रिसेप्टर होता है EBR1, जो कि एक स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर में काम करता है। इन सी अर्चिन द कीमोटैक्टिक पेप्टाइड रिसेप्ट एंड स्पीरेक्ट हैव बीन शोन टू इंक्रीज द स्पर्म मोर्टेलिटी एंड प्रोवाइड द डायरेक्शन टूवर्ड द एग ऑफ द करेक्ट स्पीसीज। ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है, जो कि कीमोटैक्टिक पेप्टाइड होते हैं, जो कि रिसेप्ट और स्पीरेक्ट होते हैं, जब वो वाटर में एग के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं और स्पर्म को एग के डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब स्पर्म में क्या, एक्रोसोम है, बिंडिन प्रोटीन, एक्रोसोम में बिंडिन प्रोटीन होता है जो कि लाइगेंड की तरह काम करेगा, कौन से रिसेप्टर के लिए, तो EBR1 रिसेप्टर के लिए। रिलीज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टू ब्रेक डाउन द कोटिंग ऑफ द एग। और क्या होगा कि स्पर्म जो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है, जो कि एग का कोटिंग को डिस्ट्रॉय करता है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ सी अर्चिन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।